दोस्तों, आपने मिस्टर नटोलाल और चार्ल्स सोबराज के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जिस ठग की कहानी सुनाने जा रहे हैं, मेरा दावा है कि ऐसा ठग भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी पैदा नहीं हुआ होगा। इस ठग ने न सिर्फ लोगों को ठगा बल्कि इसने सरकारी सिस्टम को भी ठग लिया और 40 दिनों तक जज की कुर्सी पर जज के तौर पर बकायदा कार्य करता रहा और फैसले सुनाता रहा। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि कहानी है भारत के सुपर चोर दनिराम मुत्तल की। कहानी की शुरुआत 1939 में हरियाणा के भिवानी शहर से होती है, जब इस शख्स का जन्म होता है। दनिराम मित्तल बड़ा होने के बाद LLB हैंडराइटिंग एक्सपर्ट और ग्राफोलॉजी का कोर्स भी करता है। 1964 में दनिराम जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनाने RTO के दफ्तर पहुंचा, तब उसने वहां पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी और वहां बैठे दलालों को भी देखा। उसके बाद दनिराम मित्तल के दिमाग में एक खुरा पास सूझी और उसने वहीं से अपना काम शुरू किया। दनिराम मित्तल RTO के दफ्तर के बाहर ही बैठने लगा, लोगों के फर्जी लाइसेंस, गाड़ियों के फर्जी दस्तावेज तैयार करने लगा और पैसे कमाने लगा, लेकिन उसका मन इसी से नहीं भरा। 1964 से 4 साल तक RTO के दफ्तर के बाहर काम करने के बाद 1968 में जब दनिराम मित्तल ने अखबार में रेलवे में ही भर्तियों का विज्ञापन देखा, तो उसने फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इन दस्तावेजों के माध्यम से उसने रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी प्राप्त कर ली और करीब 6 साल यानी 1974 तक दनिराम मित्तल रेलवे में बकायदा स्टेशन मास्टर की नौकरी करता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी कि यह बंदा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी पर है। उसके बाद दनिराम मित्तल का यहीं तक जी नहीं भरा। दनिराम मित्तल ने गाड़ियां चोरी करना शुरू कर दी। दनिराम मित्तल गाड़ी चोरी करने में माहिर बन चुका था। वह गाड़ियां चुराता, उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन्हें वापस अच्छी कीमत पर बेच दिया करता था। दनिराम मित्तल ने वकील के यहाँ भी बकायदा मुंशी के तौर पर काम किया था। उसे धीरे धीरे कोर्ट के बारे में, कानून के बारे में भी जानकारी होने लगी और उसने LLB की डिग्री भी प्राप्त करके वकालत भी करनी चाहिए। लेकिन दनिराम मित्तल की किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दनिराम मित्तल ने LLB की डिग्री जयपुर से प्राप्त की। उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में 1000 से भी अधिक गाड़ियां चुराई और कई बार वह गिरफ्तार भी हुआ। उसके बारे में एक किस्सा भी बेहद मशहूर है। जब वह दिल्ली में एक गाड़ी चोरी के आरोप में पकड़ा गया और उसे पुलिस वालों द्वारा जब जज के सामने पेश किया गया, तब जज ने भी उस पर जल्लाते हुए कहा कि तुम रोज रोज यहाँ आ जाते हो, चोरी करना कब छोड़ोगे, मेरे कोर्ट से बाहर निकल जाओ। दनिराम मित्तल कोर्ट से बाहर आता है और पुलिस वालों से कहता है कि जज साहब ने मुझे यहाँ से जाने का कहा है, आप लोग भी यहाँ से जाओ, मैं भी जाता हूँ। इस तरह वह पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। जब उसके केस की बारी आती है और जज दनिराम मित्तल को पुकारता है, तब तक दनिराम मित्तल वहां से फरार हो चुका था। दनिराम मित्तल गाड़ी चोरी करने में इतना एक्सपर्ट हो चुका था कि कई बार वह कोर्ट में जब पेशी के लिए जाता तो वहीं से गाड़ी चुरा लेता था। और दनिराम मित्तल के चोरी करने के बारे में एक और बात मशहूर है, वह एक गाड़ी चुरा कर जब जा रहा होता और उसे रास्ते में अगर उससे अच्छी कोई गाड़ी दिख जाती तो वह पहले चुराई हुई गाड़ी को उसी जगह पर रख देता था और दूसरी गाड़ी को चुरा कर वहां से निकल जाता। अगले दिन पहले चुराई हुई गाड़ी को लेने वापस आता, वह गाड़ी अगर वहां पर मिलती तो उसे भी दनिराम मित्तल लेकर चला जाता। इस फिल्मी सी दिखने वाली कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1980 में, जब कोर्ट भी असली था, मुजरिम भी असली था, लेकिन जज नकली था। 1980 की एक रोज जब दनिराम मित्तल अखबार पढ़ रहा था तो उसने अखबार में एक खबर देखी जिसमें उसने देखा कि हरियाणा के जज्जर कोर्ट के एक एडिशनल जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में विभागीय जांच के आदेश हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट ने दिए हैं। उसके बाद दनिराम मित्तल के दिमाग में एक बेहद ही अलग, सोचना भी जिसके लिए असंभव हो, ऐसी खुरापात सूझी और दनिराम मित्तल ने अगले दिन अपने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होने का सबसे बड़ा फायदा उठाते हुए जज्जर कोर्ट को हरियाणा और पंजाब कोर्ट की तरफ से एक लेटर लिखा। यह लेटर जब जज्जर कोर्ट में पहुंचा तो इस लेटर में लिखा था कि जिस एडिशनल जज के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश हुए हैं, उसे विभागीय जांच पूर्ण होने तक 2 महीने तक छुट्टी पर भेजा जाता है। और इस लेटर में बकायदा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के सिग्नेचर भी थे और मोहर भी लगी थी। उसके बाद अगले दिन जज्जर कोर्ट को एक और लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि पूर्व जज को 2 महीने तक छुट्टी पर भेजा गया है, इसके बदले में वहां पर एक नए जज की नियुक्ति की जाती है। और इस लेटर में दनिराम मित्तल का नाम और एड्रेस लिखा था। अगले दिन दनिराम मित्तल इसी लेटर की एक कॉपी लेकर जज्जर कोर्ट में पहुंच जाता है और बकायदा जज के तौर पर
कार्य ग्रहण कर लेता है और जज बनकर फैसले देने लगता है। धनीराम मित्तल करीब 40 दिनों तक जज बनकर बैठे रहा और धनीराम मित्तल ने इन 40 दिनों में फैसलों की जड़ी लगा दी। मन हुआ उसे जेल तो मन हुआ उसे बेल। इस दौरान धनीराम मित्तल ने अपने कई साथियों को भी जमानत पर रिहा कर दिया। इन 40 दिनों में कहते हैं धनीराम मित्तल ने 2,740 लोगों को जमानत पर रिहा कर दिया। कोर्ट में मौजूद सभी पुलिसकर्मी, कोर्ट के मेंबर सभी हैरान थे क्योंकि धनीराम मित्तल फैसले पर फैसले देते जा रहा था। 40 दिन बाद जब 41वां दिन आया तो कोर्ट में जज यानी कि धनीराम मित्तल नहीं पहुंचा। एक दो दिन निकले लेकिन धनीराम मित्तल फिर भी कोर्ट में नहीं आया। तब कोर्ट के सभी मेंबर्स को डाउट हुआ और जब ये बात पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पहुंची तो सभी को पता चला कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऐसा कोई लेटर जज्जर कोर्ट को नहीं भेजा, यानी कि जो भी जज बनकर बैठा था वो नकली था। लेकिन धनीराम मित्तल तब तक फरार हो चुका था। उसके बाद धनीराम मित्तल को दिल्ली से कार चोरी के आरोप में एक बार गिरफ्तार किया गया था। लेकिन धनीराम मित्तल LLB की डिग्री कर चुका था इसलिए वह जितनी बार भी गिरफ्तार हुआ उसने हर बार अपने केस की पैरवी स्वयं की। धनीराम मित्तल की कुल 94 बार गिरफ्तारी हुई लेकिन हर बार वह रिहा होता गया। आखिरी बार धनीराम मित्तल को 2016 में 77 साल की उम्र में कार चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और उसे उसकी उम्र और बुढ़ापे की वजह से रिहा कर दिया गया। सबसे सातिर चोर और सुपर चोर कहे जाने वाले धनीराम मित्तल ने हाल ही में 18 अप्रैल 2024 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 85 साल की उम्र में हार्ट अटैक के कारण धनीराम मित्तल ने ये दुनिया छोड़ दी। सरकारी सिस्टम की धज्जियां उड़ाकर 40 दिन तक जज की कुर्सी पर बैठने वाले धनीराम मित्तल ने जज बनने की यह बेमिसाल कहानी इतिहास भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी शायद ऐसा सातिर चोर न तो हुआ है। धनीराम मित्तल की यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और साथ ही इंटरेस्टिंग किस्से, सीरियल किलर्स और इस अनोखी दुनिया को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।